दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनमोल संवाद। दोस्तों मैं आज बलिया जिले के सोनाडी में मौजूद हूं, चूँकि ऐतिहासिक स्थल है और माँ भागेश्वरी का ये मंदिर है यहां पर। तो मैं यहां जो है 15 से 20 दिन का मेला लगता है, आज नवरात्र का पहला दिन है। तो आज मैं मेले का हाल जानने के लिए आया और दर्शकों को दिखाने के लिए कि मेले में इस साल क्या क्या सुविधा है और कौन कौन सा किस तरीके का सर्कस है, किस तरीके का मौत का कुआं है और यहाँ क्या क्या जो है मेला के लिए, मेला की अभी तैयारी हो गई है। अभी पूर्ण रूप से दुकानें नहीं आई हैं, दुकानें अब आने वाली हैं और मेला के लिए जो तैयार होने लगी हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो है मौत का कुआं है, तो मैं मौत के कुएं के एक मालिक हैं और मैं आइए इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये, इनका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और कितने दिन रहते हैं। भाई साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजूर अली हुआ, मैं जौन बनारस का रहने वाला हूँ। जी जी, हम लोग यहाँ पे काफ़ी वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आते थे, हमारा दूसरा पोस्त है और माँ भागेश्वरी के प्रांगण में ये इस मेले से काफ़ी दिनों से हमारा लगा हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हफ्ता 10 दिन पहले ही आते हैं और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते हैं, जो भी कमियाँ रहती है उसको दुरुस्त कर करके और मेले का जो है कि भव्य तरीके से जो है हम लोग शुभारम्भ किया जाता है। ये जो है आपको तैयार करने में कितना दिन लग जाता है? हफ्ता से 10 दिन। जी जी, आप लोगों के पास जैसे मेले में आप लोगों की टीम है तो मौत का कुआं है कि और साथ में कुछ है आपका? मौत का कुआं है, झूला है, ब्रेक डांस झूला है, बच्चों का ट्रेन का झूला है और कुछ बाहर के कराकरी की दुकानें हैं, लेडीज की जो है कि खरीदारी की चूड़ी वगैरह जो है, जूड़े चप्पल मेकअप से जुड़े हुए, बच्चों के खिलौने से जुड़े हुए, तो कुछ कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, हरियाणा, काफ़ी दूर दूर से सब दुकानें कुछ बुलाई गई हैं, क्योंकि हालांकि हमारा काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस मेले से, इसलिए इच्छुक रहते हैं। काफ़ी दूर दूर के दुकानदारों को भी बुलाया जाता है ताकि आप हमारे मेले में आएँ और यहाँ का नाम बढ़े। जी तो आपका क्या मौत का कुआँ है? जी आप ही का जो हमारा मौत का कुआँ है, झूला है, बड़े झूले हैं, बच्चों के झूले हैं ये। तो आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास लगभग 40 से 45 लोग काम करते हैं। महिला भी हैं आपके साथ? जी, महिला और पुरुष सब लोग मिलकर के। कितनी महिलाएं हैं आपके पास, कितने पुरुष हैं? लगभग लगभग 4 से 5 महिलाएं हैं और बाकी 35 से 40 लोग। एक चीज और हमको बताइए, आप जो मौत के कुएं में आप लोगों का जो है ये गाड़ियाँ जो उस पर चलाई जाती है, और अधिकांश किस कंपनी की होती है? TVS कंपनी की होती है। अच्छा अच्छा जी। अब क्या जो नई गाड़ियां, आप लोग तो पुरानी गाड़ियां रखे होंगे? जी, पुरानी गाड़ी मैक्स 100 रहता था, यामा का, और TVS जो है अभी फिलहाल चल रही है और इतना पावरफुल गाड़ी फिलहाल मार्केट में नहीं मिल रही है कि जो कि चलाए। इस आपके मौत के कुएं में ये 4-व्हीलर और 2-व्हीलर दोनों चलेगा? जी, 2-व्हीलर 4-व्हीलर दोनों। थोड़ा सा हमारे मेरे दर्शकों को बता दे कि आप लोगों का टिकट का क्या रेट होता है, कि जो भी मेरे दर्शक हैं अगर जो सोनाडी मेले में आए हैं तो इन भाई साहब का मौत का कुआं लगा हुआ है, इनके यहाँ जरूर है। टिकट का रेट थोड़ा सा बता दीजिए, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए क्या चलता है? टिकट का रेट ये है, जैसे कि बच्चों का झूले हैं तो उसमें 10 रुपये का टिकट रहता है, उससे थोड़ा सा बड़े हैं तो उसमें 20 रुपये लगता है, और जो इंजन से चलने वाले, मोटर से चलने वाले हैं तो उसमें सर डीजल का किल्लत देखते हुए 30 रुपये लगता है, 20 से 30 ऐसे ही सर। आप लोगों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के जो है मेला मालिक भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं लोग, हम लोग को यहाँ के लोकल के लोगों का फुल सपोर्ट मिलता है और आप सभी जो है पत्रकार लोग और जो है प्रशासन का भी हमें भरपूर सहयोग मिलता है प्रशासन का यहाँ से। आप जैसे यहाँ खत्म हो जाएगा तो कहाँ कहाँ आप जाते हैं और मौत का कुआं लेके अपना? मौत का कुआं सर लगभग हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सर लगभग 2-4 मतलब जैसे दर्शकों को मेरे बता दिए हैं कि किस किस जगह पे, लगभग 2-4 जगह का नाम बताइए। जैसे कि सर सुल्तानपुर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, आपके बलिया जिला में हो गया सर जो है, और आपके जौनपुर जिले में हो गया, तो ऐसे दूर दूर जो है कि आपके बहराइच हो गया, माघ मेला इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर के मेले होंगे, तो ऐसे बड़े बड़े मेले में सब जो है। तो अंदर अभी आपका कंप्लीट हो गया है? जी सर कंप्लीट हो रहा है। जाने का रास्ता है क्या? जाने का रास्ता सर क्लोज किया गया है, बच्चे सब छुट्टी भी गए हैं होली पे, बस 2-4 दिन बाद आ करके सारा काम। तो दोस्तों मैं ये भाई साहब थे और इनका जो है मौत का कुआं है पीछे, जैसे आप थोड़ा सा दिखा दीजिए इधर, मौत का कुआं इनका जो है लगभग सेटअप तैयार हो गया है और इधर झूला भी है। मैं दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आना चाहे इधर, ये जो मेले में दक्षिण साइड में ये जो है लगा है इन लोगों का मौत का कुआं, आप आना चाहें तो मंदिर से, माँ भागेश्वरी के मंदिर से और पोखरे के पूरब और इसे दक्षिण साइड में जो है इन लोगों का लगा हुआ है, और दक्षिण साइड से भी रोड है, अगर जो कोई आना चाहे तो दक्षिण साइड से भी आ सकता है। तो दक्षिण साइड और उत्तर साइड दोनों से रास्ता है, लेकिन स्पेशली अगर जो मौत के कुएं के लिए आए तो उत्तर साइड से आता है, लेकिन मेन रास्ता जो है वो जो है दक्षिण साइड से है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए किस तरीके से जो है इनका ये लगा हुआ है, चरखी भी है इधर, बच्चों का है
और इधर दिखा रहा हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इधर, और इधर देखिए ये झूला है, और इधर जो है ये किस तरीके से सेटअप तैयार हो गया है। ये झूला है, इसमें जो है बच्चे उच्चे बड़े बच्चे भी इसमें खेलते हैं, और इन लोगों का सेटअप अब तैयार हो रहा है। और इधर मैं आपको फिर पुनः एक बार दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से झूला और मौत का कुआं और ये तीनों एक जगह पे ही है। छोटे बच्चों का इधर थोड़ा सा है, और इधर ये मेला है, और मेला इधर जो है चल रहा है अब। और जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छोटे बच्चों का है, छोटा बच्चा अगर जो आए तो यहाँ खेल सकता है, देख सकता है किस तरीके से ये मेला है। ये है देखिए, ये ऐसे चलता है, इसी में छोटे बच्चे अपना मौज मस्ती करते हैं मेले में। इसका टिकट कितना होता है? 10 रुपये। इसका 10 रुपये सर। अच्छा, बच्चों वाले का 10 रुपये? 10 रुपये टिकट। अच्छा अच्छा, इसका टिकट अगर जो बच्चे आए तो इस पे 10 रुपये दे के, और जो है कितना मिनट इस पे चलाया जाता है? अच्छा, 5-10 मिनट इसमें 10 रुपया में बच्चों को जो है मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया साधन है। हाथ से चलाया जाता है, कोई मोटर चालित नहीं है, हाथ से ही चलाया जाता है। और इधर तमाम दुकानें जो है सज रही हैं, और मेला जो है शुरू हो गया है, और दुकानें आ रही हैं, और आने के बाद जल्द ही इस मेले का जो है प्रारूप पूरा तैयार हो जाएगा। और इधर जो है पूजा पाठ का मंदिर पे माहौल, वो भी मैं चल के आपको दिखा रहा हूँ। ना खोली जाते कहते कहीं खुले के चल जाए।